फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉली स्टाइल और मैं हूँ पूजा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज मैं जो आपको आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूँगी वो है ग्रीन टी फेस मास्क। ये तो ऑल टाइप स्किन के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे आपको यूज़ करना है, कितने टाइम इसको स्किन पे अप्लाई करना है, कितने टाइम के बाद इसको क्लीन करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। मैंने एक कटोरी में, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा रॉ मिल्क के साथ थोड़ा सा मलाई निकाल के रख दिए। मलाई हमारे सभी के घर पे अवेलेबल रहते हैं। और ये मैंने लिप्टॉन ग्रीन टी यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तुलसी नेचुरल है ये लिप्टॉन ग्रीन टी, लाइट एंड एक्टिव। आप चाहते हो तो जो लूज जो आता है मार्केट में वो भी अप्लाई कर सकते हो आप, लूज भी ग्रीन टी आते हैं। तो ये मैं कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो फेस मास्क मैं बता रही हूँ वो बहुत बेनिफिट्स आप देते हैं, मैं खुद अप्लाई करती हूँ, मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिले। ऐसे टी बैग में आते हैं, देखिए आप ऐसे टी बैग में आते हैं, इसको नॉर्मली कट कर लीजिए आप। स्मेल भी है इसमें, आपको ये दो साइड में रहता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो, इसको मलाई में थोड़ा सा ऐसे 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 करके इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। दोनों मिक्सअप हो गए हैं। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी, मैंने जो मलाई यूज किए हैं उसके जगह पे आप मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हो। जो बटर हम लोग मार्केट से लेके आते हैं उसको थोड़ा सा हीट करके उसमें भी आप ये ग्रीन टी को अप्लाई कर सकते हो। ये जो ग्रीन टी जो फेस मास्क है ये इसको आप नॉर्मल स्किन है तो आप 1 से 2 मिनट तक आप इसको स्क्रबिंग के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप 20 to 30 मिनट्स के लिए आपकी स्किन पे छोड़ दीजिए। मैं मेरे स्किन पे फेस पे अप्लाई करके आपको मैं दिखाऊंगी। मैं और एक बात बताना चाहूँगी, जिसको एक्नी है पिम्पल है वो स्क्रबिंग ना करे, क्योंकि कोई कोई बोल सकता है कि एक्नी पिंपल में स्क्रबिंग करना चाहिए, बट मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि एक्नी पिंपल में आप स्क्रबिंग करें, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा हर्म होता है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ग्रीन टी में क्या रहता है फ्रेंड्स, इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज रहते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहते हैं। आप इसको ऐसे जब भी ऐसे ग्रीन टी हम लोग जब भी पीते हैं उसमें भी हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, वो टॉक्सिन को निकाल देते हैं हमारे बॉडी से और यंगर दिखाते हैं। तो इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। तो मैं मेरे स्किन पर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसको आप जेंटली अप्लाई करेंगे बट ये हल्का सा स्क्रबिंग का भी काम करते हैं। ये जो टी लीव्स के जो पार्टिकल्स है ये स्क्रबिंग का काम करते हैं। देखिए ऐसे 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 आपको अप्लाई करना है आई साइड एरिया में। हमेशा सावधानी रखें, मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो पे आपको बताती हूँ, कितने भी नेचुरल होम रेमेडीज रहने दीजिए आई साइड एरिया में, ख्याल रखें। ये देखिए मेरे अप्लाई करना हो गया, बहुत ही टाइम कम लेते हैं ये सब जितने भी होम रेमेडीज है ना। और मैं जो सब इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जो सब इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर करती हूँ वो सभी के घर पे अभी आज के दिन में इजीली अवेलेबल रहते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको आप 20-30 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वाइप करके आप देखिए। मैं भी आपको 20 मिनट्स के बाद ये क्लीन करके आके दिखाती हूँ क्या क्या चेंजेस आए स्किन पे। तो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो मेरे स्किन पे कितना इंस्टेंट ग्लो आ रहा है, आप खुद देख सकते हो ये सब साइड से। और स्किन जो रहता है ना बहुत ही मॉइस्चराइज एंड नरिशिंग फील होता है, बहुत स्मूथ फील होता है। और इसमें जो है सेबम सिक्रेशन को ये रिड्यूस करते हैं जो कि मेन एक्ने के रीजन रहता है इसमें। और ये ग्रीन टी मार्क्स जो रहता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज रहता है जो हमारे स्किन को अंदर से क्लीन रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, और हमारे जितने भी एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो सबको रिमूव कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ये चैनल को। और आपके जितने भी फैमिली और फ्रेंड्स हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर करें कि ये वीडियो सबके हेल्प में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।